हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आंचल मिश्रा। मैं आपको बता दूं, इस वक्त हम अड़गपुर गांव पर पहुंचे। यहां पर किस लिए पहुंचे मैं आपको बता दूं, बिजली विभाग वाले सुबह 5 बजे घर पर आते हैं। सोचिए, इस गांव में आते हो, इस घर पर सोचिए महिलाएं सोती हैं, कैसी भी उठी बैठी महिलाएं हो, लेकिन वो तड़तड़ाते हुए अंदर घुस जाते हैं और कनेक्शन चेक करने लग जाते हैं कि कहां पर कौन सा कनेक्शन लगा है। और सोचिए, यहीं पर लोग मौजूद है, किस लिए पहुंचे, क्योंकि ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं मीटर का बॉक्स, यहां पर ये 4 बॉक्स वाला मीटर है, लेकिन यहाँ पर 3 मीटर लगता है, जिसके कारण उनको लगता है कि शायद ये गलत बिजली कनेक्शन है। इसीलिए सोचिए, ये जो परिवार है यहाँ पर, उनके ऊपर 87,000, समझ रहे, ध्यान से सुनेगा, 87,000 रुपए का इन पे चालान ठोक दिया जाता है, मतलब इन पे बिल पकड़ा दिया जाता है कि इतना आपको भरना है। सोचिए क्या गलती थी परिवार को इनसे, जानते हैं हुआ क्या था पूरा मामला, सर क्या हुआ था थोड़ी। मैं एक्चुअली क्या था, मॉर्निंग में आए थे, मैं सोया हुआ था और मेरी वाइफ बाहर आई, उन्होंने बोला गेट खुलवाया, उन्होंने गेट खोल कर, पुलिस वाले साथ में थे, उन्होंने बोला मीटर चेक कराओ, मीटर का बिल लेके आओ। मीटर का बिल लेके आए, उन्होंने बॉक्स को खोला, देखो इधर बॉक्स को खोलते हैं वो लोग, तो उन्होंने, ये मेरा मीटर है, इसके जो तार लगे हुए हैं, ये केबल है, ये केबल यहाँ से जा करके मेरे ये केबल वहाँ जा रही है, ठीक है। ये जो केबल है, जो उन्होंने दिखाया कि डायरेक्ट आप यूज कर रहे हो, ये केबल जो है उस मीटर की केबल है जो कि आगे लगा हुआ है, ये यहाँ से यहाँ घूम करके ये जाते हुए और वहाँ जा रही है, उन्होंने उसको ना देख करके इसी को हमारे घर पे दिखा दिया। अच्छा, ये तार आपके घर से होते हुए जा रहे, तो उनको लगा शायद आपके तार यहाँ, ये तो हमारी ही तार है, ये तो मेरे मीटर की तार है इसकी, ठीक है, लेकिन ये जो डायरेक्ट लगी हुई तार है, ये उस घर में जा रही है, उस मीटर में जा रही है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वहाँ मीटर है या नहीं है, केवल जा कहाँ रही है। उन्होंने ये देखा कि ये केवल यहाँ जा रही है, बस डायरेक्ट चल रही है, ठीक है। मेरे घर में 2 मीटर है, एक ये है और एक ये है, एक ये केवल उधर जा रही है, वो मीटर वहाँ लगा हुआ था, ठीक है, और एक मीटर इसमें है, इसमें तीन मीटर हो गए, चौथा मीटर जो था इसमें था, उन्होंने निकाल करके वहाँ लगवा लिया। अच्छा, मतलब वो केवल जा रही है वहाँ पे, मतलब बिजली विभाग ने 3 मीटर देख लिया, चौथा मीटर नहीं देखा ही नहीं, वो जो डायरेक्ट नहीं लगी है उनकी भी जायज है, उनका भी मीटर है, लगी सही है उनकी भी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दिखा दिया कि भैया डायरेक्ट बिजली यूज कर रहे हैं। हाँ, ये उनकी लापरवाही थी जिसकी वजह से उन्होंने पर्चा दे दिया। मैं तुरंत ही वहाँ पे एसडी ऑफिस गया और जय से बात की, मैंने जय साहब उसको रीचेक कराओ, उन्होंने बोला हमें कोई पावर नहीं है, वो विजिलेंस वाली टीम थी बाहर से आती है, वो ये करेंगे जो कुछ करेंगे। अच्छा। मैं कल भी परेशान हुआ, आज एसडीओ ने मेरे को दिखा दिया, भैया 87,000 का आपका ये पर्चा आ गया, मैं इस बेस पे कानूनी कार्रवाई करूंगा, बस और कुछ नहीं करूंगा, आपको जो करना कर लो। तो मतलब विजिलेंस वालों की लापरवाही तो देखिए, इसमें तो कोई गलती नहीं, चौथा मीटर तो लगा हुआ, वो ब्लाइंड थे ना, अंधे हो चुके थे, आते बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, महिलाएं भी होगी, महिलाओं के साथ ही, महिलाओं से बोला आपको क्या पता, आप मीटर का बिल लेके आओ, ये लेके आओ, करो। अच्छा, कितने बजे आते हैं, कभी भी आते थे, 5 बजे 5:30 बजे कभी भी आ जाते। आपके घर में यहाँ कितने बजे पहुँचे थे वो? हमारे करीब 5:30 बजे गेट पे बजाया था उन्होंने आकर। अच्छा, तो वो सीधा घर में घुस गए, महिलाएं भी थी घर में, आप लोग भी थे, सोए हुए थे सारे, सोए हुए थे, जब उन्होंने गेट बजाया तो हम बाहर आए कपड़ा बदल के, बोले बिजली का बिल लाओ, हम बिजली का बिल लेकर आई बहू, वो दिखाया अपना मीटर बताया, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, सुनी नहीं पा रहे, उन्होंने कुछ नहीं सुना, कम से कम जेंट्स लोगों को तो ये बोले कि अपने घर से बुलाओ किसी को, जी, ये क्या मतलब है कि एकदम दरवाजे में अंदर बढ़ जाना, मतलब अंदर तक घुस गए थे, महिलाएं कैसी हो क्या है, कुछ इससे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा। घर के मेंबरों को बुलाते हैं कि अपने बड़ों को भेजो, ये क्या हो रहा है, और फिर गलती नहीं है उनकी, ये भी तो ठीक बात नहीं है ना, किसी के घर में एक से एंट्री कर जाओ आप, तो ये था। बिजली विभाग ने अंधेरी गर्दी मचा रखी है, सुबह 5:30 बजे गांव में एंट्री करते हैं, चाहे लीगल है या इलीगल है, सभी का बनाते हैं, ये नहीं देखते कि किसी का लीगल चल रहा है या नहीं चल रहा, ये जो हुआ ये भी जायज था, लेकिन उन्होंने इलीगल तरीके से देखा, आइडेंटिफाई नहीं किया कि किस तरह से केबल कहाँ जा रही है, खाली मीटर के बॉक्स पे आके देखा कि चौथा मीटर गायब है और केबल लगी हुई है, उसी बेस पे उन्होंने चालान बना के पेश कर दिया है। चौथा मीटर कहाँ गया इसका? अच्छा, मतलब कुछ पूछा नहीं, सिर्फ 3 मीटर देखा और देखा। पुलिस वाले साथ होते, अगर कोई बातचीत उनसे करते, कहते हैं आप साइड हो जाओ, ये इनका काम है, ये अपने आप काम करेंगे। हमने कहा कि मैं बताता हूँ कि केबल कहाँ जा रही है, कोई सुनी नहीं कुछ नहीं, खाली वीडियो बनाया और जाके एसडीओ साहब को दे दिया कि ये नंबर है मीटर का और ये चालान बना के आज हम गए, तो उन्होंने 87,000 का चालान हमें पेश कर दिया, ये है। मैं कहा इसका क्या करना, कह रहा है इसकी कानूनी कार्रवाई होगी, नहीं तो आप जैसा भी होगा कानून से भुगतेंगे। मतलब 87,000 कम चालान थोड़ी ना आपके ठोक दब, ये तो पुख्ता सबूत तो होंगे कि हम उसके लिए हम मानते हैं, लेकिन ये तो नाजायज है ना, हमारा दो मीटर लगे हुए हैं, दोनों मीटर से जायज लाइट हम यूज कर रहे हैं, बेवजह का हमारे ऊपर ये थोपा गया है। वो कारण बताता हूँ क्या कारण है, आपको दिखाता हूँ मैं। उन्होंने जो शो किया जिस बेस पे हमारे का चालान किया ना, इस केवल के उस पे कराया उन्होंने, ठीक है, ये केवल यहाँ से जाकर के उधर आगे चल के दिखाई, ये वहाँ से होती हुई जा रही है केवल। अच्छा, ये जो लंबी वाली जो तार जा रही है, ये केवल जा रही है ऐसे होती हुई जा रही है,
और ये घूम करके यहाँ इस मीटर पे जो आ रही है तार, यही वाले तार है जो ऊपर से जा रही है। अच्छा, इस मीटर में आ रही है केवल, ठीक है। इसको उन्होंने देखा ही नहीं, मीटर को नहीं देखा, बस उस केवल को देखा वहाँ पे। चौथा मीटर भी है यहाँ पे, तो मतलब आप लोगों ने समझाया नहीं कि चौथा मीटर भी तो लगा, इसको भी तो देखो। उन्होंने कुछ सुना ही नहीं, उन्होंने तो बस खाली मीटर के नंबर लिया और नाम लिखा और चल दिया। अच्छा, बस इतना ही सुना, इतना ही सुना। चौथा मीटर भी है जो जायज है, जो कि वहाँ पर लगा था पहले, लेकिन यहाँ पर आ रही है, जिसकी सप्लाई यहाँ पे आ रही है, इसीलिए वो जिन्होंने दिखाया ना कि भाई डायरेक्ट बिजली यूज हो रही है, वो केवल इस मीटर में आ रही है, वो लीगल है ये भी। मतलब एक तरह से जायज है, ऐसा कुछ आपने कुछ गलत काम नहीं किया था। जो तीन मीटर चार मीटर का वो बॉक्स था, चौथा मीटर आपने यहाँ लगा दिया था अपनी गलती की वजह से, हमारे ऊपर थोप जाएगी, आपका डायरेक्ट लगा हुआ है। अच्छा, हाँ। तो लेकिन अब जो गलती हुई, चलो गलती हुई, लेकिन बात भी तो नहीं सुनी, बात सुनने को राजी नहीं है। बस एक है कि बिल पकड़वा दिया कि आपको 87,000 रुपए का चलान भरना है। विजिलेंस की टीम आती है, वो चलान बनाती है, पेश कर देती है बिजली विभाग को। तो ना ऐसे बात नहीं कि आपने एसडीओ वगैरह गए थे कल, जेई साहब से बैठे पूरा दिन, उन्होंने हमें बिठाए रखा कि लाइनमैन आएगा, मैं लाइनमैन को आपके साथ भेजूंगा, लाइनमैन जाके चेक कर लेगा। 4 बजे कहता है जी आप जाइए, कल मैं आपको लाइनमैन को भेज देता हूँ। आज एसडीओ से मिले, एसडीओ ने कहा कि आपके नाम से चलान आया है 87,000 का, ये तो आपको पे करना ही होगा, चाहे कोर्ट से करो या यहाँ पे करो। तो फिर लाइन मैन कहाँ गया? वो कोई नहीं वाले थे ना, वो तो बेवकूफी बनाते हैं सिर्फ। मैंने जेई को व्हाट्सएप किया, एसडीओ को बोला मैंने सर रीचेक करा दो, बोले हमें कोई पावर नहीं है उसके रीचेक के लिए। मैंने कहा आप एक बार उनको लाइन मैन से चेक करा लो, वो केवल जो जिसपे आपने केस बनाया वो केवल जा कहाँ रही है ये तो देखोगे आप। बिल्कुल, बोला नहीं ये हमारा काम नहीं है। मतलब कुछ सुनवाई नहीं कर रहे, जो कि आप लोग बात भी कर रहे हैं कि सर यहाँ पर चौथी लगी हुई है, यहाँ से कनेक्शन है, लेकिन कुछ नहीं सुना जा रहा है। कुछ नहीं सुना है, इससे पहले भी गांव के लोगों के साथ ऐसी समस्या आई थी। लोगों के साथ हुआ ऐसे, बहुत लोगों के साथ होता है। एक और भी अभी एक केस हुआ था, उसने बाहर से वीडियो बनाई मीटर की और ले जाकर उनका पर्चा दे दिया। अच्छा, मतलब एक तरह से वो लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और लेके चले जाते हैं। टीम का फोकस है कि किसी को भी आए, 2-4 केस उनको बना के देने, चाहे वो लीगल है या इलीगल है, उन्हें 2-4 केस आने हैं और गांव में बना के देने ही देने हैं। अच्छा, पैसे की डिमांड करते हैं एक तरह से, तो दादागिरी हो गई। मतलब आओ वीडियो बनाओ और दो पैसे कमाओ, पैसे कमाओ, यही हाल है। हम तो बोल रहे अभी विजिलेंस वाले हैं, इसको चेक करें, फिर से बताया किस बेस पर हमारे लिए उन्होंने चालान कराए, अभी भी चेक कर सकते हैं। उनके पास वीडियो, मेरे पास भी वीडियो। हम तो बॉक्स में लॉक लगाएंगे और कोर्ट केस करेंगे, और जिस दिन इसको खुलवाएंगे बिजली विभाग को बुलाएंगे, बकायदा वीडियो बना के भेजेंगे इसकी। अंकल ऐसी परेशानी उससे पहले भी आई है कभी? मतलब ये तो सडनली आते 87,000 रुपए का चालान काट के चले जाते हैं। आज से कम ये 6 महीने से यही कार्रवाई चल रही है। यहाँ पर आते हैं सुबह 5 बजे, सडनली आते हैं, आकर के घर में महिलाओं को जगाते हैं, ताला दरवाजे को खड़खड़ाते हैं, खड़खड़ाने के बाद वहाँ पर उठते हैं और जबरदस्ती आकर के बोला उसको मीटर बिल दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो मतलब परिवार के सिर्फ महिलाओं को बुलाता है, पुरुष सारे बाहर रहते, कोई मतलब नहीं उनको, नहीं उससे कोई मतलब, सुनते ही नहीं किसी की। वो सिर्फ ये चालान बना करके औरतन को धमका। अब सुबह सो रही है कोई अपने बलियान में, कोई किस चीज में, बताओ शर्म के मारे वो भीतर भगेंगे, वो भीतर को जाएंगे। सही बात है, मतलब घर में महिलाएं रहती हो, सुबह 5 बजे आप डायरेक्ट आके ऐसा छापा मारते हो किसी के घर में, तो गलत बात है। बहुत और भी गांव में किसी के साथ ऐसा हुआ था कि ये पहला घर है? अब नहीं, पहले से हो रहा है काफी दिन से, 6 महीने से हो रहा है। नहीं है, पीटे नहीं है, अगर हम लोग होते ना यहाँ तो मारते उसको बहुत। होगी कि लेडीज ही उसको मारेगी, लेडीज मारेगी, अब लेडीज ही पिटाई करेगी उनको। अगर ऐसे बढ़ते हमारे घर में तो हम और कुछ नहीं देखेंगे, अब हम उनको मारना शुरू करेंगे। बिजली विभाग की काफी ज्यादा ये हरकतें सुनने में आ रही है। एक ऐसा ही मामला झाड़ सेतली में भी आया था, जहाँ पर ऐसे कुछ 2 दिन पहले शायद हुआ था ऐसा मामला, तो वहाँ पर भी सेम यही चीज हुई थी। तो मतलब बिजली विभाग हर गांव में जाके सेम यही हरकतें कर रहे हैं। साथ लेकर आते हैं, उनकी आपस में कुछ सेटिंग होगी क्या है, और उनको दबाव तो पुलिस वाले ही बनाएंगे। पुलिस वालों को लेकर आते हैं यहाँ पर, तुम दूर रहो। अच्छा, आगे कुछ बोला नहीं देते, मतलब आप लोग बोलो कि ये सही है ये गलत है, तो तुम दूर रहो। नहीं, तुम दूर रहो, सुनते नहीं किसी की। इस केस में तो मैडम उनकी लापरवाही है और कुछ नहीं है, उनकी देखने में फर्क है बस। उन्होंने यहाँ से देखा कि लाइन डायरेक्ट लगी हुई है, ये नहीं देखा वो लाइन जा कहाँ रही है, वो केवल कहाँ जा रही है, वो केवल उस मीटर में जा रही है बस। उन्होंने तो बस ये करा है बस, करके गए, ये गेला गेल गए उनके साथ के साथ। अच्छा, साथ में ही गए थे? मैं साथ में गए, पावर हाउस में गया था एसडीओ के पास, उसके पास जेई के पास। तो हम काहे को जाएंगे? मैंने कहा सर ये चेक करा लो, मैंने उनको व्हाट्सएप भी कराया, वीडियो भी भेजी है, मैंने जेई को भी वीडियो भेजी है, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। उन्होंने बोल दिया ठीक है कल आना, कल बात करते हैं, हम लाइन में भेजेंगे, चेक करा देंगे। आज उन्होंने बोल दिया भैया आपका पर्चा दे दिया उन्होंने, अब कुछ नहीं हो सकता इसमें। मैंने कहा सर ऐसा कैसा हो सकता है, जो चोर नहीं है उसको बेमतलब दंड भरना पड़ेगा। मतलब बोला जो भी हाँ, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं कर रहा। मैंने बोला आप लाइनमैन चेक भेज दो एक बार, पूरे गांव से मान लेंगे। बिल मांगा था उन्होंने, बिल दे दिया मैंने, पुलिस वाले ने बोला कि बिल दे दो, मैंने बिल दे दिया। वो उससे वो बार बार मेरे से बोला कि चोरी, मैंने भैया चोरी नहीं है, जिस दिन से बिजली वाले लगा गए वैसे लग रही, हम चोरी नहीं है पूरा, वो ले लो तुम भाई। एक मीटर वहां पे लग रहा मन की, 3 यहां पे, वो आगे को बढ़े नहीं। उन्होंने कही नहीं, मेरे से बोला अपने आदमी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सीधा मेरे से बार बार
बोला चोरी है, मैंने कि भैया चोरी नहीं है ये, बिल्कुल भी नहीं गल है। जो कह रहा नहीं तुम्हारा मीटिंग में चोरी हो, मैंने कि तुम्हें पता चोरी हो रही है, मैंने इतने में वहाँ प्लस हो जाते हैं ये उनको पता नहीं। पुलिस वाले कही बेटा बिल दिखाओ, मैंने बिल दिखा दे, बिल दे के वो चुप हो गए पुलिस वाले, उन्होंने कही की गलत बात नहीं है। फिर वो बोला लगा ये तो बात पूरी हो गई, बोतल बोतल कर रहे हो, उन्होंने ये बोतल करी यहाँ पे की बोतल का काम होगा, इतनी बोतल का काम हो गया। किसने बोला? विजिलेंस वालों ने बोला कि पुलिस वाले ने पुलिस वाले से बोला, ये बात मैंने खुद सुनी थी यहाँ गेट पर खड़ी होके। उसने कहा कि गेट खोलो, मैंने कहा गेट नहीं खोलूंगी, मैं गेट नहीं खोलूंगी, क्यों आके देखो, मैंने कहा कुछ नहीं है भैया। इतने में वो निकल के आ गए मेरे पति। फिर उन्होंने बात करी कि पुलिस वाले बोले तुम भैया ऐसे क्यों बोल रहे हो, जोर जोर से चिल्ला रहे हो। आदमियों को क्यों नहीं बुलाया जाता? जब आप ऐसी कार्रवाई कर रहे हो तो घर के आदमी होने चाहिए साथ। बीरवाने से क्या मतलब है, उसको आगे कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस वक्त हम अनंतपुर गांव में पहुंचे थे और यहां पर देख सकते हैं महिलाओं के साथ बदतमीज है, क्योंकि बताया जा रहा है बिजली विभाग सुबह 5 बजे आती है और महिलाएं किस स्थिति में है कुछ पता नहीं होता और पुरुष को नहीं बुलाया जाता है। लेकिन फिर भी एक गलत फहमी जिसको या फिर लापरवाही बोले जाए, इस बॉक्स को ना देखकर उन्होंने 3 मीटर को देखा और 4 मीटर को ना देखकर इनको 87,000 मतलब 87,000 रुपए का इनको बिल पकड़ा दिया था कि आप इसको भरो। जब ये एसडीओ या फिर जेई के पास जाते हैं तो वो भी इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि जो विजिलेंस की टीम बाहर से आती है हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। सोचिए ये परिवार कहां जाए, परिवार का ये जनता कहां जाए, जो अब मुसीबत पड़ी है तो वो जाहिर सी बात है जेई एसडीओ के पास ही जाएगा, लेकिन जेई एसडीओ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो इनको इसमें प्रशासन को सख्त सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि ये जरूरी है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते हैं सिटी न्यूज 100। मैं आचल मिश्रा सिटी न्यूज 100 के लिए।